अ वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8 और 9 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है द डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। पीआईबी क्या है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा बने हैं। अब ये पीआईबी किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। 1919 में इसकी फॉर्मेशन हुई और हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीआईबी का मेन रोल क्या है। देखिए, कोई भी नया गवर्नमेंट प्लान आता है, कोई गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव या प्रोग्राम आता है, तो उससे रिलेटेड एक अवेयरनेस लाने के लिए। अवेयरनेस कैसे लाएंगे? अब सबको घर में जाके थोड़ी बताएंगे ना। तो जो भी प्रिंट मीडिया है, जैसे आपका न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेबसाइट्स हैं, है ना, ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का एक मीडियम है। जैसे गवर्नमेंट कोई प्लान लेकर आया तो वो उसको पब्लिश कर देगा अपनी वेबसाइट पीआईबी के ऊपर। तो वहां से अलग अलग वेबसाइट्स फिर देखती हैं, उसके ऊपर करंट अफेयर बना के कर देती हैं अपलोड अपनी अपनी वेबसाइट पे, है ना। तो ये डिसेमिनेट करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन फैलाता है लोगों में कि नई स्कीम आई है, इस स्कीम को आप अवेल भी कर सकते हो, बाकी पढ़ने वाले तो इसको पढ़ते हैं फिर, है ना, तैयारी के लिए। तो इस तरह से तभी तो कहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, पीआईबी की वेबसाइट देखो, वहां पे सबसे ऑथेंटिक एंड रियल डेटा आपको मिलेगा, है ना। ऐसा डेटा जिसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो, ऐसा डेटा मिलेगा, राइट। तो चलिए, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया काम क्या है। बाकी डायरेक्टर जनरल पीआईबी के कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा बने हैं। देखिए, ये चीज तो आपको एज इट इज ही याद रखनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम अपना देखें तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट कौन बने हैं? एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जब तक कोई नेक्स्ट चीफ जस्टिस, यानी इस पोस्ट पे, चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट की पोस्ट पे जब तक परमानेंट पर्सन नहीं आते हैं, तब तक ये पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट की सारी ड्यूटीज जो है वो फॉलो करेंगे। लेकिन ये एक्टिंग है, जब भी परमानेंट वाले पर्सन चुने जाएंगे तो इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक। अब ना हम यहाँ पे थोड़ा सा चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट्स का कंसेप्ट देख लेते हैं, है ना। बहुत टाइम पहले पॉलिटी पढ़ी थी, वैसे तो पॉलिटी मैं दो बार पढ़ा चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। नहीं आपने वीडियोस देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे पॉलिटी हैंड रिटन नोट से फिर पॉलिटी वन लाइनर सीरीज की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, राइट। चलिए, फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये जान लेते हैं, है ना। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। 2022 से अभी तक इस पोस्ट पे हैं। 50वें चीफ जस्टिस है इंडिया के, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो सीजीआई की पोस्ट होती है ना, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है इंडियन जुडिशरी का, ठीक है। चीफ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे जजेस होते हैं, लेकिन उसमें हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, लेकिन हेड होते हैं प्रिंसिपल, वैसे, ठीक है। सीट कहाँ पे है? हम यहाँ पे किसकी सीट की बात कर रहे हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कब फॉर्मेशन हुई? 1950 28 जनवरी को। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट बना ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट भी आ गई, है ना। आगे अगर हम देखें तो पहले चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, या कौन थे इंडिया के? एच जे कन्हैया, राइट। आर्टिकल हमारा जो 124 है ना, ये डील करता है, आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है ये डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उन्हें, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हमारी कंट्री में कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट है, जिसकी फॉर्मेशन 26 जून 1862 को हुई। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? 25 हैं, है ना। चलिए, तो अब इसी के साथ हम थोड़ा सा स्टैटिक में घुस गए, वापस करंट अफेयर्स पे आते हैं, ठीक है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है उससे पहले कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, तो सारी चीजें आप भूल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी है 90%, राइट। तो पढ़ना है, लेकिन बार बार रिविजन ज्यादा जरूरी होता है, तो नोट्स जरूर बनाएं। आपके पास एक नोटबुक होगी तभी एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुई? अमान जॉर्डन में हुई। इस चैंपियनशिप को टॉप किसने किया है? इंडिया ने। सेकंड पे है कजाकिस्तान, थर्ड पे है किर्गिस्तान। अब इससे ज्यादा इसमें और जानने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे हुई, टॉप इंडिया ने किया, सो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हम देखें, सो टू एनहांस पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स। अच्छा, जो कोरोना के टाइम पे हुआ है ना, हम इतने प्रिपेयर नहीं थे किसी पेंडेमिक के लिए, तो बहुत लोगों की जान गई और बहुत सारे इश्यूज हुए, है ना। एक प्रॉपर प्लान नहीं था कि चीजों को कैसे हैंडल करें, लेकिन अभी
एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें अगर इन फ्यूचर कुछ होता है, इंडिया में कोई ऐसा पेंडेमिक आता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए पहले एक प्लान बनाकर रखा जाएगा, तो उसके लिए लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। एडीबी लोन देगा इंडिया को। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई है, हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया, आगे चलें फिफ्थ पॉइंट अगर हम अपना देखें तो लोकपथ मोबाइल ऐप, एक ऐप है रिसेंटली जो लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं उनके द्वारा। कौन है? मोहन यादव जी। तो इन्होंने लॉन्च की है लोकपथ मोबाइल ऐप, क्यों? फॉर रिजॉल्विंग रोड प्रॉब्लम्स विद इन 7 days। रोड्स, सड़कों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, 7 दिनों में वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। ये इनिशिएटिव, ये ऐप भोपाल में लॉन्च किया गया है। इसके अंडर क्या होगा, कैसे 7 दिनों में इतनी प्रॉब्लम्स होती है सड़कों की वो रिजॉल्व की जाएगी? देखिए इसके अंडर क्या होगा, एनीवन कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट बाय टेकिंग अ फोटो ऑफ द पॉट होल और स्पॉइल ऑन द रोड्स रजिस्टर्ड इन द ऐप। जो रोड्स ऐप में रजिस्टर्ड हैं, कुछ लिंक्स होंगे, है ना, तो उन रोड्स पे कहीं आपको गड्ढा दिखाई देता है, कोई पॉट होल या टूटी फूटी सड़क दिखाई देती है, उसकी फोटो लो और अपलोड कर दो। अब जो फोटो आपने अपलोड की है, अगले 7 दिनों के अंदर वो वहां से रोड जो है वो ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए पूरा तो नहीं बनाया जा सकता, सरकार को फंडिंग की बात होती है, टेंडर निकलते हैं, बड़ी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हाँ जो गड्ढे वगैरह होते हैं इनको भरा जा सकता है, तो उससे रिलेटेड ये ऐप है। क्वेश्चन, ऐप कहाँ पे लॉन्च हुई, एम किसने लॉन्च की, पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी नाम से भी लग रहा है लोकपथ, लोग चलते हैं सड़कों पे, तो सड़कें ठीक करनी है, ठीक है। आगे चले सिक्स्थ पॉइंट अपना देखें तो एमबीबीएस कोर्स है ना, CORSE है, ये एस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया यहाँ पे। सो एमबीबीएस कोर्स हिंदी में स्टार्ट किया जाएगा किसके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से। नेक्स्ट एकेडमिक सेशन क्या होगा, 25-26 है ना, तो तब से बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम एमबीबीएस कोर्स हिंदी में शुरू कर देंगे। इसी के साथ बिहार बन गया है दूसरी ऐसी स्टेट मध्य प्रदेश के बाद टू ऑफर सच डिग्रीज, जो ऐसी इस तरह की एमबीबीएस कोर्स जो है वो हिंदी में ऑफर कर रहा है मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है। चलिए सेवन्थ पॉइंट अपना देखें, फ्रैंक डकवर्थ पास्ड अवे रिसेंटली, कौन थे? एक फेमस इंग्लिश स्टेटिस्टिशियन थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो जीएस हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक कहाँ पे है? परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट 4 दिनों की इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन समझते हैं, प्रदर्शनी एंड ग्लोबल कॉन्क्लेव, ग्लोबल लेवल पे एक मीटिंग हुई है। टॉपिक क्या था? ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी हमने प्लास्टिक रोड्स के बारे में बात की थी, है ना, कि प्लास्टिक को साफ करते हैं, ग्रिंड करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, देन ब्लेंडिंग करते हैं, फिर रोड बनाते हैं, है ना। हमने पढ़ा था अभी एक दो दिन पहले ही करंट अफेयर्स में। तो वैसे ही प्लास्टिक को कैसे रिसाइकल करके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर 4 दिनों की इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ग्लोबल कॉन्क्लेव हुई है न्यू दिल्ली, यानी इंडिया में हुई है। किसने इनॉग्रेट किया इस पूरी कॉन्क्लेव को? केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्रेटरी हमारी जो है, कौन है? निवेदिता शुक्ला वर्मा, राइट। अब किसने ऑर्गेनाइज की ये मीटिंग? तो ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज की गई है इन दोनों के द्वारा। AIPMA क्या है? ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एंड CPMA क्या है? केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इन दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर इस कॉन्क्लेव को। मेन फोकस क्या था इस कॉन्क्लेव का? तो वही है कि जो इंक्रीजिंग, जो यूज बढ़ रहा है ना प्लास्टिक का, इसके ऊपर फोकस करो कि कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। प्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा अवेयरनेस लाएं। प्लस क्या स्टेप्स हैं कि हम प्लास्टिक का यूज कम करें, इसके लिए कोई प्रॉपर हम ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है इस दिक्कत के लिए, उसके ऊपर डिस्कशन करने का काम है, राइट। आगे चलें 9th पॉइंट अपना देखें तो दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर की गई है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो आइलैंड है ऑफ सुलावेसी, वहां पे ये पेंटिंग डिस्कवर की गई है। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, कुछ दिनों के लिए मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, बट मैं अपना पूरा सेटअप साथ में ले आई हूँ, तो मैं डेफिनेटली वीडियोस यहाँ पे बना सकती हूँ, मतलब बनाऊंगी डेफिनेटली, लेकिन साथ में ऐसा ना कि बिल्कुल साथ में सड़क है इस जगह के, तो बहुत आवाज आती है। वैसे घर पे भी ऐसा होता है लेकिन इतनी आवाज नहीं आती, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इशू है, शॉप्स हैं और साथ में सब कुछ सड़क है तो चल रही है
व्हीकल्स ना, तो उसकी वजह से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ को आप इग्नोर करें, ठीक है? क्योंकि मैं फोकस करूँगी कि मेरी आवाज़ ज़्यादा मॉड्यूलेट होके आपके पास आए, कुछ सेटिंग करूँगी, ऐसी कोशिश करूँगी और बैकग्राउंड नॉइस ना आए, बट अभी कुछ दिन तक आएगी, है ना? तो थोड़ा सा प्लीज़ आप कॉपरेट करें। फिलहाल हम बात कर रहे थे दुनिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग के बारे में, जो कि इंडोनेशिया के आइलैंड ऑफ सुलावेसी में डिस्कवर की गई है। आइडिया लगाया गया है कि 51,200 साल पुरानी ये पेंटिंग है। कैसे आइडिया लगाया है? एक नई साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे यूज की है, जिसके थ्रू मिनिमम एज पेंटिंग की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? 10th पॉइंट अपना देखिए, नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम फॉर फार्मर्स। किसानों के लिए नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम आई है। कहाँ पे लॉन्च की गई? गुजरात में। किसके द्वारा? हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा। इसके अंदर होगा क्या कि जो भी जो है नैनो फर्टिलाइजर्स को परचेस करेंगे फार्मर्स, उनको सब्सिडी दे दी जाएगी, है ना? तो 50% असिस्टेंस मिलेगी किसानों को, उन किसानों को जो परचेस करेंगे नैनो फर्टिलाइजर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस टाइम के लिए फिलहाल ये स्कीम है, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ ये पेज भी हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। अच्छा, ये जो नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है ना, इसका अनावरण कब किया गया? तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधीनगर गुजरात में, सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो इस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में एक तरह से डिक्लेयर किया गया, बताया गया इस स्कीम के बारे में। अब ये जो सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस है, ये हुई थी टू मार्क द 102nd इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। मैंने बताया था ना कि जुलाई का जो फर्स्ट सैटरडे होता है, उस दिन, उस डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जाता है। कब आया था? इस साल 6 जुलाई को। थीम क्या रहा? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इसी के साथ ये जो 2025 साल आएगा ना, अगले साल, ये डिक्लेयर कर दिया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। 2-3 साल और डिक्लेयर किए गए हैं 2025 को, वो मैं अगले एक दो वीडियोस में आपको बता दूंगी थोड़ा सर्च करके, फिलहाल आपने इतना याद रखना है। किसने डिक्लेयर किया है 2025 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये भी याद रखना है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, ठीक है? आगे चले, 11th पॉइंट अपना देखिए, तो एडिशनल NSAs नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नए एडिशनल कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना बने हैं। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? TV रामचंद्रन जी, कल के न्यूज में पढ़ा था, एंड पवन कुमार, ठीक है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं कौन? अजीत डोवाल जी। तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई कहानी कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, बस नाम याद रखने हैं। 12th पॉइंट अपना देखें, तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये बुक का नाम है, लॉन्च की गई है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर KT पटनायक जी के द्वारा। ये इसमें कारगिल वॉर के बारे में बताया है, लिखी है वीर चक्र अवार्डी कर्नल M रविंद्रनाथ जी ने। अब देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। 13th पॉइंट हमारा आता है दैट 15th चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट कौन बने हैं? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। ये हमने कल के न्यूज में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे अलग चीज ये थी कि 15th है, तो मैंने सोचा एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, है ना? चाहे आप वहीं पे एडिट कर लें। ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट, दैट 24th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट कहाँ पे हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेलारूस ने ज्वाइन किया है SCA को एज इन फुल टाइम मेंबर। मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 10 फुल टाइम मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें से 10th बना है बेलारूस। इससे पहले ये था ऑब्जर्वर स्टेट। SCO क्या है? आप स्टैटिक GK में जाके देख सकते हो। 24th मीटिंग है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। कहाँ पे है जी? कजाकिस्तान कंट्री सेंट्रल एशिया में है। एक बार वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें, इंपॉर्टेंट चीजें है ना, एक मिनट लगता है बट बहुत इंपैक्ट डालता है आपके ओवरऑल प्रिपरेशन पे, राइट? तो चलिए, इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।